हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ये आइसक्रीम देख के जाना हो, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मस्का द प्रोडक्ट रिव्यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। हिल्स एंड वेल्स के चॉकलेट पंच, हाँ ये लिखा है। खैर ये ना मेरे को जो है ना किस महीने में जो था सितंबर अक्टूबर के महीने में हम जो है ना नहीं सुपर मार्केट कराची में गए थे ना, तो वहाँ पर ना कुछ ऑफ लगी हुई थी तो उस पर मेरे को ये मिला था। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्स को तो कोई कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो इसका है बस ये प्रोडक्ट दुबई का है और बाकी तो आइसक्रीम होती है और बाकी चॉकलेट की आइसक्रीम तो बस फिर लाजवाब ही होती है। ठीक है, तो मैंने कहा चले आज इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने तो उसके ये वाला फ्लेवर नहीं ट्राई किया था, तो सोचा चले आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, ट्राई का ट्राई हो जाएगा और खा भी लेंगे। अभी तक तो यहाँ पर सर्दियाँ मौजूद नहीं है, तो जैसे ही कराची में सर्दी आएंगे फिर तो हम इससे भी जो है ना नाराकसी कर लिया जाएगी। तो बस यही है, हिल्स एंड वेल्स है, ठीक है, चॉकलेट मंच है, बाकी मुझे नहीं पता ही क्या है। ठीक है, अभी इसे हम ओपनिंग करते हैं। ऊपर से कुछ बंद होगा। चले भाई ये इस कंडीशन में है, मेरे समझिए कुछ चंक्स बंक्स होंगे, पंच लिखा था तो हम हम इसको ट्राई करके आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। इन्हें थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग बदली है ताकि आप लोगों को मजा आए देखने में। हम इसको बिस्मिल्लाह, तो ये है आइसक्रीम माशाल्लाह से। अब इसको ट्राई करेंगे, देखने में तो वैसे बहुत ही अच्छी लगती है हर चीज़, मगर मेन तो उसका जायका होता है। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है माँ, आप लोग सोच रहे होंगे हमेशा तो हर चीज़ तो है ना प्लेटों में प्यालों में खाती है, तो आज क्यों नहीं भाई। आज मैंने ना मैंने सोचा चले अभी इसको ऐसे ही खा लेते, भी किधर आइसक्रीम पिघलेगी नहीं ना, उसको मैं कपों में निकालूँ, इतना वक्त किधर है आज के ज़माने में किसी को भी। ठीक है, तो फिर बस हाँ अब इसकी बात हो रही है कि मेरे को ऑफ में मिल रहा है ये 1400 की कुछ आइसक्रीम है, 1300 की कुछ आइसक्रीम है ये, तो लेकिन ये मेरे को ऑफ में ना 400 की मिली थी। जाहिर सी बात है इसकी डेट है ना एक्सपायरी जो थी ना वो थोड़ी कम है, इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी ना तो थोड़ी कम थी ना, तो इसलिए वजह से ना इन्होंने थोड़ी वो ऑफ में दे दी। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इतनी बुरी नहीं है कि हम खा ना सकें, तो अच्छी बात है बता के दी और हमने भी देखा आँखें खोल के लिए। ठीक है, कभी कोई मैं खा लेती हूँ, इससे पहले कि पिघलना शुरू हो जाए। आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा देर बाद भी नहीं कर सकते फिर आके, तो प्लीज़ होल्ड। हाँ मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा है। उम्मीद है कि चलें अभी आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, नहीं ये प्रोडक्ट भी पसंद आ गया होगा। प्रोडक्ट तो किसको पसंद नहीं आता, आइसक्रीम तो किसको पसंद नहीं आती, सस्ते में सस्ती नहीं महंगी से महंगी। खैर महंगी की तो बात ही अलग है और वो भी बाहर का प्रोडक्ट हो तो कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, हर दफ़ा अच्छा भी नहीं होता, ये भी हमारे जायके के ऊपर डिपेंड करता है। चले उम्मीद है फिर जो है ना हम आप कोई और अच्छे से प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आप जो है ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देने, वीडियो को भी जो है ना लाइक कर दें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।